निर्वाण प्राप्त करना धर्म है, भाग तीन। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का शब्दार्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निर्वाण को दो कौड़ी का ही नहीं रहने दिया, उसे एक सर्वथा बेहुदा सी चीज बना दिया। उनका कहना है कि निर्वाण का मतलब है सभी मानव प्रवृत्तियों का बुझ जाना, अर्थात मृत्यु। इस प्रकार उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जो कोई भी इस अग्नि स्कंदोपम सूक्त जो संयुक्त निकाय से लिया गया है कि भाषा का विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का यह अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि राग अग्नि जल रही है, द्वेष अग्नि जल रही है तथा मोह अग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंदोपम सूक्त में यह कहीं नहीं कहा गया है कि आदमी की हर प्रकार की प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। इसमें आग में घी डालना ही मना किया गया है। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण का भेद करना भी भूल गए हैं। उदान के अनुसार जब शरीर बिखर जाता है, जब तमाम संज्ञाएं रुक जाती हैं, तब तमाम वेदनाओं का नाश हो जाता है। जब सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती हैं और जब चेतना एकदम जाती रहती है, तभी परिनिर्वाण होता है। इस प्रकार परिनिर्वाण का मतलब है पूरी तरह बुझ जाना। निर्वाण का पूरी तरह बुझ जाना अर्थ नहीं हो सकता। निर्वाण का मतलब है अपनी प्रवृत्तियों पर इतना काबू रखना कि आदमी धर्म के मार्ग पर चल सके। इससे अधिक और इसका दूसरा आशय ही नहीं। राध को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। एक बार राध स्थविर भगवान बुद्ध के पास आए, आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर राध स्थविर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते निर्वाण किसके लिए है? तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है रागाग्नि, द्वेषाग्नि तथा मोहाग्नि का बुझ जाना। लेकिन भंते निर्वाण का उद्देश्य क्या है? रात निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण में है। निर्वाण ही उद्देश्य है, निर्वाण ही मकसद है। नमो बुद्धाय।